नागपुर सिटी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन में 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को जब्त किया गया है, जिसकी समय सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक पाई जाती है। सामान्य तौर पर पिछले 2 से 3 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति उपभोक्ताओं की भावना बढ़ी है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी न होने के कारण इलेक्ट्रिक बाइक बेचने वाले उपभोक्ताओं ने इन अज्ञानता का फायदा उठाकर उपभोक्ताओं को ठगना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी क्षमता कितनी होती है, वाहन लेने का अंतिम निर्णय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहन की गति सीमा और उस वाहन के पंजीकरण के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही लिया जाना चाहिए, अन्यथा आप पर भी पछताने का समय आ सकता है। नियम के मुताबिक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले दोपहिया वाहनों को RTO रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। हालांकि ग्राहकों को बिना कोई नोटिस या सूचना दिए 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले वाहनों को बेच रहे हैं। नागपुर सिटी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों ने बैटरी की क्षमता से तेज चलने वाले वाहनों के कारण आग लगने का एहसास होने के बाद इलेक्ट्रिक बाइक का निरीक्षण करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसके मुताबिक 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स जब्त की जा चुकी है। बताया गया है कि सैकड़ों वाहन नियमों का उल्लंघन कर दौड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण राज्यभरामध्ये ही मोहीम राबवण्यात आलेली आहे। या मोहिमेअंतर्गत जी वाहनं कायद्याचं उल्लंघन करतात, म्हणजे अशा प्रकारची इलेक्ट्रिक वाहनं आहेत ही की ज्यांना नोंदणीची गरज नाही अशा नावाने ग्राहकांना विकले जात आहेत, त्यांच्यासाठी वेगमर्यादा 25 किलोमीटर प्रति आवरपेक्षा कमी असावी, त्याच्यामध्ये जी इलेक्ट्रिक मोटर आहे ती 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमतेची असावी, तसेच त्यांचं अनलोडेड वेट हे 60 किलोग्रॅमपेक्षा कमी असावं, अशा वाहनांना नोंदणीची गरज नाही आहे। अशा वाहनांमध्ये फेरफार करून ती रस्त्यावरती वापरली जात आहे, त्याच्या विरुद्ध ही मोहीम आहे। त्याच्यामध्ये रस्त्यावर आता मागच्या काही काळामध्ये या इलेक्ट्रिक वाहनांना आगीच्या दुर्घटना होत आहेत, तसेच रस्त्यावरती अपघात वाढत आहेत यांच्यामुळे, तर हे रोखण्यासाठी आणि रस्ता सुरक्षा दृष्टिकोनातून ही मोहीम राबवली जाते। नाही, डीलरने अशा प्रकारचे ग्राहकांना म्हणजे खोटं फसवणूक करून किंवा खोटं सांगून गाड्या विकल्या नाही गेल्या पाहिजे। ग्राहकांनी पण याच्या बाबतीत जागरूक राहिलं पाहिजे की आपल्याला कुठल्या प्रकारचं वाहन दिलं जाते, याच्या याला खरंच नोंदणीची गरज आहे का, या गोष्टी सर्व तपासूनच ग्राहकांनी हे वाहन मोटर वाहन कायद्यानुसार यांच्यावरती आपण कारवाई केली जात आहे। आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।